तुम सब मरने वाले हो। कुछ ही दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पोल क्रिएट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के बारे में पूछा था। तो उसमें सबसे ज्यादा वोट टॉप हॉरर मूवीज पे आया था, जिसे देखकर आप लोगों की रूह भी कांप उठेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे हॉरर मूवीज लेके आया हूँ जो डरावने होने के साथ साथ इतने ज्यादा वायलेंट और क्रीप है, जिसे देखकर आप लोग शायद रात में ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप बच्चे या फिर कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें। नंबर 5 पे हमारे पास है वेरोनिका। ये मूवी आई थी साल 2017 में और नेटफ्लिक्स द्वारा क्लेम किया गया था कि ये मूवी इतना ज्यादा डरावना है कि इसे देखकर मौत भी हो सकती है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक टीनेज लड़की की, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ओइजा बोर्ड गेम खेलती है। उसके बाद से एक शैतानी शक्ति उन लोगों के पीछे पड़ जाती है और आखिर तक वो लोग सर्वाइव करके उस शैतानी शक्ति को हरा पाते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.2/10। नंबर 4 पे हमारे पास है इडेन लेक। ये मूवी आई थी साल 2008 में और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने रोमांटिक पलों को बिताने के लिए जंगलों में गया था और आखिर तक यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है, क्योंकि उस जंगल में अचानक से कुछ बच्चे चले आते हैं और उन लोगों के साथ उस कपल की बहस हो जाती है, जिसके बाद वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो इनको जान से मार डालेंगे, क्योंकि इस जंगल में अगर कोई खो गया या फिर गायब हो गया तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा और वो लोग आसानी से बच जाएंगे। जिसके बाद ये बच्चे उस कपल का शिकार करना शुरू करते हैं और वो कपल कैसे अपने जान बचाते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है और इसको रेटिंग मिली है 6.8/10। नंबर 3 पे हमारे पास है द विच और ये मूवी आई थी साल 2015 में। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है साल 1630 की, जब एक फैमिली को अपने शहर से निकलकर जंगलों में भेज दिया जाता है। यही पर वो लोग आके फंस जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता होता है कि इस जंगल के अंदर विचेस रहते हैं जो हर पल इंसानों को मारने के लिए तैयार रहते हैं, और वो किस तरह से इनका शिकार करते हैं या फिर ये लोग उनसे बच पाते हैं या नहीं, ये आप इस मूवी को पूरा देखने के बाद जान पाएंगे। ये मूवी बहुत ही ज्यादा वायलेंट और डिस्टर्बिंग सीन से भरी हुई है, तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आप इस मूवी को नहीं देख पाएंगे। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 6.9/10। नंबर 2 पे हमारे पास है अनफ्रेंडेड डार्क वेब। ये मूवी आई थी साल 2018 में और मैंने इसका जिक्र अपने डार्क वेब वाली वीडियोस में किया हुआ है। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़की की, जो एक नया लैपटॉप लेता है और जिसके थ्रू अपने सारे दोस्तों से वीडियो चैटिंग पे बात करता है। इसी बीच उसको फेसबुक पे एक मैसेज आता है जिसमें एक लड़की कहती है कि ये लैपटॉप उसका है, और तभी ये सच बताते हुए कहता है कि ये लैपटॉप उसने कैफे से चोरी की हुई है। ये डिसाइड करता है कि इस वीडियो चैटिंग के बाद उस लैपटॉप को वापस कर देगा, पर कुछ ही देर बाद वो लड़की दोबारा मैसेज करते हुए धमकी देती है कि उसके सारे दोस्तों को मार देगी। तभी ये समझ पाती है कि ये मैसेज करने वाली लड़की असल में एक हैकर है। ये हैकर उन सारे दोस्तों को मार पाती है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 5.9/10। नंबर 1 पे हमारे पास है अपोस्टल। ये एक फैंटेसी हॉरर मूवी है जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में साल 1905 के समय को दिखाया जाता है, जब एक आदमी की बेटी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उससे उसके बदले पैसे मांगते हैं, पर ये फिजिकली कमजोर होने की वजह से अपने बेटे को पैसे के साथ उस आइलैंड पे भेजते हैं ताकि अपने बहन को वो बचा के घर ले सके। पर उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद इस लड़के को ये बात तो साफ पता चल गई थी कि अगर ये पैसे भी उन लोगों को दे दे फिर भी वो लोग इसके बहन को नहीं छोड़ेंगे, और अगर इनको पता चल गया कि ये उसका भाई जो पैसे देने आया है तो ये उसे भी मार डालेंगे। इसके बाद ये अपने पहचान बदल के उस आइलैंड में जाता है, क्योंकि उस आइलैंड के बारे में उसे कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीजें पता चली थी जो इसको आगे काम में हेल्प कर सकती है।
ये मिस्टीरियस चीज क्या है या फिर अपने बहन को ये बचा पाती है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 6.8/10। तो इन 5 मूवीज के अंदर कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा डरावनी या फिर बेहतर लगी जो आप फ्यूचर में देखने वाले हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अनफ्रेंडेड डार्क वेब और वेरोनिका बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो आपकी इनमें से फेवरेट मूवी कौन है आप नीचे कमेंट जरूर करें, और जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल बटन को जरूर दबा देना।